हेलो एवरीवन। तो भाई हम कर रहे थे बेसिक ऑफ एलजेब्रा, इसी कंटिन्यू करते हैं आज। ठीक है, काफ़ी लंबा चलेगा ये। चलो तो भाई देखो, बेसिक ऑफ एलजेब्रा मैंने आपको बताया था कि मतलब कि आपका जो एलजेब्रा की एक्सप्रेशन होता है ना, उसका वन टर्म। ठीक है, मैं वन टर्म की बात करूँ तो वो क्या थी जी आपकी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सी वी आर एन। ठीक है, मैंने इधर आपको वी का एक अंडरस्टूड मीनिंग बताया था कि भाई वी आपका वेरिएबल का प्रोडक्ट भी हो सकता है, समटाइम आपका मतलब कि काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि डिवीजन हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कॉन्स्टेंट के साथ वो कंबाइंड हो गया सकता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, काफ़ी सारी मतलब तमाम पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी थी। बट इस चीज़ पर मैंने रोशनी डाली नहीं थी। ठीक है, तो आज इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। ठीक है, देखो आपको ये तो पता होगा ना कि जैसे कि कोई नंबर है, नंबर को नंबर के अंदर ऐड करूँगा तो क्या आएगा, नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि दो को दो के अंदर ऐड कर, चार को के अंदर ऐड करूँ तो मेरे पास छः आया। छः भी क्या है, नंबर है। देखो ये भी नंबर, ये भी नंबर, तो क्या है मेरे पास, नंबर ही आया। ठीक है, ऐसे दो नंबर की अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो भी मेरे पास क्या आएगा कि नंबर आएगा। मतलब इसको नंबर वन मान लो, इसको नंबर टू, इसको नंबर थ्री, मतलब कि दो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद एक तीसरा नंबर दे देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दो गुना चार कितने हो गए, आठ। ये भी क्या है, नंबर है। देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। ऐसे अगर आप दो नंबर को बच्चे मल्टीपो डिवाइड करते हो ना तो भी आपके पास रिजल्टेंट क्या है, एक नंबर ही आएगा। ठीक है, ऐसे नंबर वन को मैंने नंबर टू से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, नंबर ही आएगा। एग्जांपल नाइन को आप सेवन से डिवाइड करो क्या आएगा, नाइन बाई सेवन ही आएगा। ठीक है, ये क्या नंबर है, ये भी एक नंबर है, और ओवरऑल जो आपका नाइन बाई सेवन है ये भी क्या अपने आप में एक नंबर है। कैसा नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि मतलब कैसे नंबर आएगा, बट नंबर ही आएगा। ठीक है जी, ऐसा ही अगर बच्चे आप सब ट्रैक्शन करते तो भी। ठीक है, तो मतलब कि आप दो नंबर के बीच में तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के एक नया नंबर आप लेके आ सकते हो। ठीक है, ये बात कंफर्म है ना। अब बात करता हूं मैं वेरिएबल पे। देखो वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है, जिसकी वैल्यू लगातार वेरी करती है, बट एक्चुअल में वो एक नंबर ही होता है। ठीक है, एक बार इसको छाप लो आप। ठीक है, इसको एक बार छापो, फिर आगे चलते हैं। छाप दिया। अब देखो बात करता हूं मैं वेरिएबल की। वेरिएबल वन है, जब पहले वेरिएबल होता क्या वो देख लो पहले आज। ठीक है, वेरिएबल कुछ नहीं होता, एक नंबर ही होता है एक्चुअल में, बट वेरिएबल की वैल्यू है ना फिक्स नहीं होती, वेल डिफाइंड होती है, उसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। समथिंग विच कंटिन्यूसली वेरी इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे कि वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, वन बाई टू भी हो सकती है, फाइव बाई सेवन भी हो सकती है, मतलब कि एनी पॉसिबल नंबर। वेरिएबल एक्चुअल में क्या है, एनी पॉसिबल नंबर, एनी पॉसिबल नंबर एक्चुअल में क्या है, वेरिएबल एक नंबर ही है। कौन सा नंबर है, कुछ भी नंबर है, मतलब है तो नंबर ना भाई। एक ने कहा कि भाई वेरिएबल मेरा वी वन है, तो वन क्या एक्चुअल में वन है, मतलब एक नंबर है। टू क्या है, एक बंदा कहेगा टू है उसकी वैल्यू, तो ये क्या है एक्चुअल में एक नंबर है। तो वेरिएबल कुछ नहीं होता, नंबर है। और आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि नंबर के बीच में मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकता हूँ, मतलब कि नंबर को मल्टीप्लाई करके या ऐड करके डिवाइड करके सब्ट्रैक्शन करके मेरे पास एक नंबर ही आएगा। ऐसे ही जब वेरिएबल एक नंबर है, वेरिएबल अपने आप एक नंबर है, तो वेरिएबल के ऊपर भी ये चीज़ फिर लागू होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि आप नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगा के, जैसे कि दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया या भाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये नंबर वन था, ये नंबर टू था, इनके बीच में ये ऑपरेशन लगाया था, मेरे पास एक तीसरा नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर वन और नंबर टू के ऊपर अगर मैं प्लस माइनस का ऑपरेशन लगाऊं तो एक तीसरा नंबर आएगा मेरे पास। ठीक है, तो जब ये बात
नंबर के ऊपर लागू होती है, क्योंकि आपका वेरिएबल भी एक नंबर है, तो वेरिएबल के ऊपर भी ये चीज फिर अप्लाई होती है, ठीक है। तो एज वेरिएबल इज ऑल्सो अ नंबर, सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं जी, हम ये कह सकते हैं कि इधर एक बार इसको इरेज कर, इतना नोट डाउन करो, फिर इसको इरेज करके ऊपर ही लिखता हूँ, नीचे आएगा नहीं कैमरे। तो स्टेटमेंट वी कैन से दैट इधर लिख लेना आप, ठीक है। क्या से कर सकते हो भाई, जैसे कि वेरिएबल वन को वेरिएबल टू के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास एक तीसरा वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक नंबर के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो एक तीसरे नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया, एग्जांपल मैंने दिए था आपको, ठीक है। ऐसे वेरिएबल वन को वेरिएबल टू के अंदर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, मेरे पास एक तीसरा वेरिएबल आएगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल भी अपने आप में एक नंबर ही होता है, तो नंबर के ऊपर ये चीज़ अप्लाई थी तो वेरिएबल के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई है, ठीक है। ऐसे वेरिएबल वन को वेरिएबल टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नया वेरिएबल आ जाएगा, मतलब ये चीज अपने आप में एक नई वेरिएबल होती है, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी अपने आप में क्या होता है, एक नया वेरिएबल होता है। जैसे कि दो नंबर ले लिए, 2 × 3, तो अपने आप में ये एक नंबर है, कितने कौन सा नंबर है, ये 6 है, मतलब ये चीज एक 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी एक नंबर था, ये भी एक नंबर था, मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास एक तीसरा नंबर आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये वेरिएबल वन है, ये वेरिएबल टू है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये चीज क्या बन जाएगी, अपने आप में एक तीसरा वेरिएबल बन जाएगी, ठीक है। ऐसे वेरिएबल वन को मैं वेरिएबल टू से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक तीसरा वेरिएबल आ जाएगा, मतलब ये चीज भी अपने आप में एक नया वेरिएबल देगी, क्या, तीसरा वेरिएबल, ठीक है। क्यों, जैसे दो नंबर को आप डिवाइड कर दो 2/3, 2/3, ठीक है। 2 भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी अपने आप में एक नंबर है कि नहीं, 2/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है। ऐसे ही ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी अपने आप में एक वेरिएबल, इसको मैंने कह दिया, जो नया मतलब ये वेरिएबल बना उसको मैंने V3 कह दिया, ठीक है। मैं कुछ किसी को कुछ कह सकता हूँ, मेरी मर्जी, जैसे कि मैं किसी वेरिएबल को X भी कह सकता हूँ, किसी वेरिएबल को Y कह सकता हूँ, Z कह सकता हूँ। इसलिए जो ये वेरिएबल 1 और ये 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ तो कंप्लीट एक नया वेरिएबल बना, इसको मैंने क्या कह दिया, V3 कह दिया। ये अपने आप में कंप्लीट नया वेरिएबल बना, इसको मैंने V3 कह दिया। ये अपने आप में नया वेरिएबल बना तो ये भी V3 आया, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर किसी कॉन्स्टेंट नंबर को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, जैसे कि सी कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है उसको मैं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं कोई दूसरा कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, तो ये भी अपने आप में क्या है, नया वेरिएबल बन जाएगा, नया वेरिएबल बनेगा ना भाई। क्यों, जैसे कि आप कोई कॉन्स्टेंट हो, या सपोज कर लो कि 2 एक कॉन्स्टेंट था, इसको आप नंबर 5 से मल्टीप्लाई करके नंबर या कॉन्स्टेंट 7 ऐड कर दो तो ये अपने आप में कैलकुलेट हो गया, अपने आप में क्या देगा, एक नंबर ही देगा ना। तो ऐसे ये चीज भी अपने आप में एक वेरिएबल ही देगी, इसको क्या बोल देंगे फिर, वेरिएबल 2 बोल देंगे, मतलब कि भाई वेरिएबल 1 कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, वेरिएबल 2 के अंदर, कैसे, उसको एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया और एक दूसरा कॉन्स्टेंट उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो वो वेरिएबल 1 आपका वेरिएबल 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, जैसे कि ये 1 और 2 3 के अंदर कन्वर्ट हो गए जितने भी थे, ठीक है। ऐसे ही आप जी कोई कॉन्स्टेंट है उसके अपोन वेरिएबल करोगे, ये भी अपने आप में क्या होता है, एक वेरिएबल ही होता है, इसको वन मान लो कि भाई 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, कोई नया वेरिएबल बना देगा अपने आप में, ठीक है। ऐसा मतलब तमाम तरीके की पॉसिबिलिटी है। तो वी का मतलब क्या था, ये वी का अंडरस्टूड मीनिंग था कि भाई वी समटाइम आपका वेरिएबल्स का सम हो सकता है, वेरिएबल्स का सम मतलब कि वेरिएबल ही आएगा, ठीक है। अब इनको मैं इनके 1 by 1 आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बट ये क्या था आपका, वी का अंडरस्टूड मीनिंग था कि भाई दो वेरिएबल बन के भी एक वेरिएबल बनाते हैं, तो इसलिए उसको बोल दिया था वी, बोल दिया था दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है वेरिएबल समटाइम, ठीक है। ये भी समटाइम आपका वेरिएबल का डिवीजन हो सकता है, ये भी समटाइम आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप में वेरिएबल ही है। जैसे ये चीज़ अपने आप में वेरिएबल थी, हाँ वेरिएबल है, ये चीज़ अपने आप में वेरिएबल थी, इस इधर क्या चाहिए था, मेरे को वेरिएबल ही चाहिए था, ठीक है। ऐसे तमाम तरीके के मैंने आपको बताया था कि भाई इनका अंडरस्टूड मीनिंग, अब इनको मैं 1 by 1 एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। तभी इसका एग्जाम्पल दूँ आपको मैं, जैसे मेरा पहला वेरिएबल
सपोज कर लो मेरा पहला वेरिएबल आपका एक्स है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल वाई है, उसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मैं ऐड वाला ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल ही आएगा। क्यों, देखो देखो वेरिएबल होता क्या है, जिसकी वैल्यू लगातार चेंज करती है, ठीक है। आप अगर एक्स की वैल्यू 1 लेते हो, वाई की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है, कुछ भी ले ली, तो इस पूरी ये जो आपका समेशन बना है इसके पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 मतलब 3, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 4 रखते हो, y की वैल्यू 5 रखते हो, तो इसका वैल्यू, इस कंप्लीट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5 मतलब कि 9। ऐसे ही आप बच्चे x की वैल्यू इधर सपोज कर लो 7, एक ने कह दिया y की वैल्यू मैं 10 लेकर चलूंगा, तो कितना हो जाएगा, तो जो ये बंदा था इसकी वैल्यू एक बार तो ये आई, ठीक है, वन टाइम ये आई, फिर नेक्स्ट टाइम इसकी ये आई, ऐसे ही कुछ और चेंज करोगे आप वेरिएबल, इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी, फिर कुछ और आ जाएगी, मतलब कि वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई विल कॉन्टिन्यूअसली चेंज। इधर लिख देता हूं मैं, चेंज या भाई वेरी, ठीक है। अब आपको पता है किसी की वैल्यू, कोई भी चीज है उसकी वैल्यू अगर लगातार चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, उसको वेरिएबल बोलेंगे। तो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे अपने आप में, वेरिएबल बोलेंगे। फिर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। इधर लिख लो फिर, दैट्स वाई आपका एक्स प्लस वाई इज वेरिएबल, ठीक है जी। अब आपको पता है कि मतलब एक वेरिएबल उसको आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो, जैसे कि एक्स से डिनोट कर दो, वाई से डिनोट कर दो, जेड से डिनोट कर दो, इधर एक्स वाई तो आपका यूज हो लिया, तो आप इस कंप्लीट को किससे डिनोट कर दो, कि भाई इसको आप कह दो कि पी कहोगे, तो ये अपने आप में एक न्यू वेरिएबल है, कौन सा, आपने इसको क्या कह दिया, पी, ठीक है भाई। अब आप देखो ये आपका वेरिएबल 1 था, ये आपका वेरिएबल 2 था, एक नया वेरिएबल इसने ऐड करके बनाया क्या, पी, ठीक है, ये आपका तीसरा वेरिएबल लगा लो। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मतलब वेरिएबल के अंदर वेरिएबल को ऐड करोगे अपने आप में क्या बनेगा, एक वेरिएबल ही बनाएगा, ठीक है। मतलब समेशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, अपने आप में वेरिएबल ही होता है। क्यों, क्योंकि उस सब्ट्रैक्शन या समेशन की वैल्यू लगातार एक्स वाई के साथ, मतलब वेरिएबल के साथ जैसे जैसे वेरिएबल चेंज हो गए उसकी वैल्यू भी वेरी करती है। अब जिस चीज की वैल्यू वेरी करती है वो अपने आप में क्या होता है, वेरिएबल होता है। इस वजह से ये अपने आप में क्या बनेगा, वेरिएबल बन गया, ठीक है। इसको क्या कह दिया मैंने, कुछ भी नाम दे दो आप अपनी तरफ से, कह दो आर, कह दो कुछ भी कह दो, ठीक है, इतना नोट डाउन करो इसको। सब्ट्रैक्शन का आप अपने आप देखोगे, मैं आपको मल्टीप्लाई का बताता हूँ। हेडिंग लगा लो ये प्रोडक्ट वाले, ठीक है, लिख लो इधर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। देख प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल भी आपको एक अपने आप में एक नया वेरिएबल देता है, ठीक है। क्यों, एग्जांपल से देखो, देखो सपोज कर लो कि आपके पास सपोज एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, ठीक है। इनको मैंने क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो चीज आएगी ना, इसको मैंने क्या कह दिया, से इसको मैंने क्या कह दिया, जैसे कि p कह दिया, ठीक है, कि भाई ये एक नया वेरिएबल अपने आप में, इधर आप ये लिख लो इस अ वेरिएबल से p, ठीक है। एग्जांपल देखो, अगर आप इधर से अब
एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो, अगर आप एक्स की वैल्यू लेके चलते हो 1 और वाई की वैल्यू आपने सपोज कर लो कि 2 ले ली, ठीक है, तो इधर कितना आएगा एक्स वाई की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2, एक अपने आप में वैल्यू देगा ये कितना 2, ठीक है। सपोज कर लो हमने एक्स की वैल्यू इधर रख ली 4, वाई की वैल्यू 10, तो इधर से वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 10 कितना 40। अब आप कुछ भी लेट कर लो, जैसे कि x को 8 लेट कर लेते हैं, ठीक है, और y को 11 लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू कितना 8 और y इक्वल टू 11, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका इसके अंदर रखोगे 8 मल्टीप्लाई 11 कितना आएगा 88। तो जो आपका x y जो प्रोडक्ट है ना उसकी वैल्यू लगातार वेरी कर रही है, वैल्यू कंटिन्यूअसली वेरी। अब जिस चीज की वैल्यू भाई वेरी करती है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। सो ये चीज अपने आप में जो इनका प्रोडक्ट है अपने आप में क्या है, वेरिएबल, ठीक है। सो एक्स वाई itself is a variable, क्या नाम दे दे इसको, say p, मतलब इसको मैंने क्या कह दिया p, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो लगातार वेरी करी है। अब जिसकी वैल्यू लगातार वेरी करती है उसको क्या बोलते हैं भाई, वेरिएबल बोलते हैं। आप यह इधर लिख लो थोड़ा सा, वेरिएबल क्या होता है, ऑफ विच वैल्यू कॉन्टिन्यूसली वेरी, ठीक है, जिसकी वैल्यू लगातार वेरी करती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब ऐसा मतलब आपने हार्ड एंड फास्ट एक मेमोरी में एक चीज बैठा रखी है, तो वेरिएबल तो भाई एक सिंगल एक्स होता है, एक सिंगल वाई होता है, एक सिंगल जेड होता है, नहीं, वेरिएबल का डेफिनेशन ये नहीं कहता कि एक सिंगल एक्स होगा या सिंगल वाई होगा या सिंगल जेड होगा, वेरिएबल का डेफिनेशन ये कहता आपसे कि मतलब कि जिसकी वैल्यू लगातार वेरी करती हो। अब प्रोडक्ट का भी वैल्यू लगातार वेरी कर रहा है तो ये क्या अपने आप में वेरिएबल नहीं है, है वेरिएबल, ठीक है। सम का वैल्यू या सब्ट्रैक्शन का वैल्यू लगातार वेरी कर रहा है तो वो भी अपने आप में एक वेरिएबल है, उसको मैंने नया नाम दे दिया पी के दे दिया, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये भी, इसको भी नोट डाउन करें एक बार। अब डिवीजन का आपको बताते हैं, लाइट बढ़िया आपने चोली खेल दिया, आज आ रही है जा रही है। देखो जैसे सपोज एक्स और वाई मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, तो ये भी अपने आप में नया वेरिएबल है। इसको सपोज कर लो आपने क्या कह दिया, पी कह दिया, ठीक है, तो अभी इधर x का वैल्यू 1 रख लो, y का वैल्यू 2 रख लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1/2, ठीक है, इसका 3 रख लो x को और अब की बार y को रख लो 7, तो वैल्यू आ जाएगी 3/7। ये क्या है, ये अपने आप में नंबर है नहीं है, है फ्रैक्शनल नंबर है। ऐसे आप सपोज कर लो x की वैल्यू 11 रख लो, y की वैल्यू 21 रख लो, तो 11/21, तो आप देख रहे हो मतलब जो एक्स वाई है की वैल्यू चेंज हो रही है, लिख लो इंग्लिश में लिख लो, इट्स वैल्यू इज चेंजिंग continuously, so it is a variable, से अब की बार क्या मान ले इसको, क्यों मान ले, ठीक है, मैंने क्या मान लिया इसको, क्यों मान लिया कि नया वेरिएबल है मेरा ये, क्या क्यों, ठीक है। तो काफी चीज मैंने आपको इधर डिटेल में समझा दी, एक बार इसको आप नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं।
कर लिया। देखो अभी अभी मैंने जो आपको जितना भी समझाया एक सिंगल सिंगल वेरिएबल एक्स और वाई लेके समझाया ठीक है, बट कई बार कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। जैसे कि सपोज कर लो कि ठीक है, क्या ये चीज अपने आप में वेरिएबल है, ये चीज भी अपने आप में वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल, इसका नाम मैंने क्या रख दिया टी, ठीक है कि भाई इसको मैं क्या कहूंगा टी कहूंगा। अब मतलब ये चीज वेरिएबल है, इस चीज को मैं प्रूव करता हूँ। सपोज कर लो कि एक्स की वैल्यू कितनी रख ली, 1 रख ली, तो इसकी वैल्यू देखना कितनी होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 9। इसकी वैल्यू अगर आपने 2 रख ली तो भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7, तो 7 और 2 9 और 4 13, ठीक है ऐसे 100। मतलब इस चीज की वैल्यू लगातार क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ दिस इज वेरिंग कॉन्टिन्यूअसली, सो इट इज ए वेरिएबल, टी वेरिएबल मान लिया, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा भी हो, जैसे कि सपोज कर लो कि आपके मेंसुरेशन के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, मेंसुरेशन का कोई फॉर्मूला उठा लो, जैसे कि मैं एरिया उठा लेता हूँ किसका, सिलेंडर का, ये क्या होता है पाई आर एच, ठीक है। तो इधर ये आपका वेरिएबल 1 है, ये आपका वेरिएबल 2 है, एक नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो आपके पास ये क्या आ गया, ए आ गया, ए आ गया ना। देखो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का प्रोडक्ट एक वेरिएबल देगा, मतलब क्या देगा, वेरिएबल ही देगा। क्यों, अगर आप आर की और एच की अलग अलग वैल्यू रखते तो इसकी इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग आएगी आपके पास, ठीक है, तो एक नया वेरिएबल आ जाएगा, और वो नया वेरिएबल क्या है, ए ही तो है, क्योंकि ये चीज़ किसके बराबर, ए के बराबर है। तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, बट इसको देखो, अगर मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ, सपोज कर लो कि आर मेरे पास 1 चल रहा है, एच मेरे पास 1 चल रहा है, तो इसे की वैल्यू देखना क्या आएगी, पाई 1 मल्टीप्लाई 1, मतलब कि इसको ऐसे लिखते हैं। देखो ये तो आपको पता है कि इनकी वैल्यू अलग अलग होगी थी, तो वेरिएबल होंगे, बट आपको आज तक ये नहीं पता होगी, जो आपका इधर LHS साइड में जो आपने ये एक सैंपल सा लगा दिया, ए लिख दिया, ये भी अपने आप में एक वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू इनके साथ साथ चेंज कर रही है। जैसे कि आपका अदर, अगर मैं R1 मान लूं, H1 मान लूं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई 1 मल्टीप्लाई 1, मतलब कि पाई, ठीक है। अगर आप कह देते हो कि आर आप 2 रख रहे हो, एच अब भी 1 रख रहे हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 पाई। एक ने कह दिया मैं तो आर बाई 2 रखूंगा और एच 3 रखूंगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, कितनी, 6 पाई। तो इस ए की वैल्यू लगातार वेरी कर रही है, जब ए की वैल्यू लगातार वेरी कर रही है तो ए क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया, ठीक है। और ये किससे बना है, इन दो वेरिएबल से। अब तो आपको मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मतलब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट एक नया वेरिएबल दे रहा है आपके सामने, मेंसुरेशन का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो उधर से बात बिल्कुल स्टीक, मतलब कि क्लियरली साफ साफ क्लियर हो जाती है कि भाई हाँ, कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट एक वेरिएबल ही देता है। क्यों, देखो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट चल रहा था, मेंसुरेशन का फॉर्मूला मैंने उठाया, ठीक है, तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, वैल्यू मैंने चेंज कराई, इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो ये इसके बराबर था, इसका मतलब ये भी क्या होगी, एक वेरिएबल। क्यों, बिकॉज इट्स वैल्यू इज वेरिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। ऐसे आप सपोज कर लो कि पैरीमीटर,
पेरीमीटर का फॉर्मूला, स्क्वायर का पेरीमीटर लेता हूँ, ठीक है मैं, क्या ये पेरीमीटर ऑफ, लिख लेना इनको नीचे लिख लेना, ठीक है, इधर स्पेस कम है इसलिए मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता है कि सपोज कर लो कितना होता है, इसको मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी से, ठीक है, तो कितने के बराबर होता है, फोर एल के बराबर। अब आपका एल एक क्या वेरिएबल है और वो फोर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये कौन सा केस होगा, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल क्या देता है, वेरिएबल, देखो ये वेरिएबल देगा, कौन सा वेरिएबल देगा, पी देगा, मतलब आपने आज तक क्या पढ़ा इस फॉर्मूले को, पी इक्वल टू फोर एल, और आप समझते हो कि एल ही आपका क्या वेरिएबल है, ठीक है, बट वो कॉन्स्टेंट फोर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया वेरिएबल दे रहा है क्या, पी, क्योंकि वो पी के इक्वल है। अब आप कहोगे सर पी कैसे वेरिएबल, देखो मैं बताता हूँ कैसे वेरिएबल है, सपोज कर लो एल की वैल्यू कितनी मान ली, वन मान ली, तो पी की वैल्यू कितनी होगी, फोर, एल की वैल्यू अगर टू मानते हो तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, एट, एल की वैल्यू अगर आप भाई थ्री मानते हो तो इधर कितना आ जाएगा, तीन चौक बारह, तो पी की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है, वैल्यू वेरी, सो पी इज ऑल्सो वेरिएबल, ठीक है भाई, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, अलग अलग कर लेना कि भाई हाँ आपका ये एक अलग केस है, ये एक अलग केस है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो आपके सामने ये है, ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टेंट को एक वेरिएबल से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर एक नया कॉन्स्टेंट उसके अंदर से घटा दिया, तो ये भी अपने आप में एक वेरिएबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू वाई वन रखते हो तो इधर से इसका वैल्यू आएगा कितना, टू मल्टीप्लाई वन मतलब फाइव, माइनस का तो माइनस का थ्री, ठीक है, अगर x इक्वल टू टू रखते हो तो दो दूनी चार माइनस पाँच माइनस का एक, अगर x इक्वल टू आप कितना रखते हो थ्री रखते हो तो तीन दूनी छः माइनस पाँच प्लस का वन, तो वैल्यू वेरी कर रही है, सो ये अपने आप में क्या है, इज अ वेरिएबल से टी, ठीक है। देखो इनका काफी सर अपने आप में यूज होता है, कभी आप सोचते पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि ये चीज कब आपको फील होगी इसका इंपॉर्टेंस, जब आप मतलब कि पॉलिनोमियल आपको बताना हो या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये चीज़ आपको बतानी हो, ठीक है। और काफ़ी सारे मतलब और भी इसके अदर यूज हैं कि भाई एक वेरिएबल कॉम्बिनेशन कनेक्ट, मतलब वेरिएबल्स कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेशन आज आर ऑल्सो अ वेरिएबल, ठीक है, इस चीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, टाइम टाइम पर मैं आपको बताता रहूँगा, बट अभी ये देखो, देखो ये भी अपने आप में एक वेरिएबल है, ठीक है, सेटी, जैसे कि इसका वैल्यू भी लगातार अगर आप x भाई 1 रखते हो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3, अगर x इक्वल टू आप भाई 2 रखते हो तो मेरे चीज तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना, 1 बाई 7, वही बात है, वैल्यू इज वेरी, सो इट इज ए वेरिएबल से, इसको भी आप टी मान लो, ठीक है। और इस चीज अब आपको पता ही, मतलब कि जब मैंने एक एग्जांपल आपको कराया था उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, मैंने पूछा था कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन, और इसको मैंने क्या कह दिया था, सी कह दिया था, और इसको एंटायर चीज को मैंने क्या बोल दिया था, बी बोल दिया था, वेरिएबल बोल दिया था, क्यों, क्योंकि अपने आप में वेरिएबल है, तभी इसको मैंने वेरिएबल बोल दिया था, क्यों है वेरिएबल, ये आपके सामने अभी रीजन रहा, ठीक है, एक्सप्लेन कर रखा मैंने, वेरिएबल की पावर माइनस वन, और ये माइनस वन क्या था आपका, आर एन, तो मतलब कि हाँ कोई भी एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो क्यों है, मतलब कि आपसे कोई पूछ ले रीजन, भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपको पता है कि हाँ है, बट आपसे कोई बाय द वे रीजन पूछ ले, भाई किस बेस पे आप कह रहे हो
भाई इस बेस पे कह रहे हैं क्यों, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ही होता है और जो सी वी आर एन की फॉर्म है वो अपने आप में क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए इन चीजों का काफी यूज होता है, और इनको यूज करूंगा मैं कहाँ पे, तब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। देखिए जितना बेस बना रहा हूँ सबका सब, जितना बेस मतलब बन रहा है आपका सारा पॉलिनोमियल के लिए बन रहा है, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको नोट डाउन करो। देखो जैसे कोई आपसे ये पूछ ले कि ये वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे उससे, कि मतलब सर क्या बदतमीजी कर रहे हो, हम क्यों बताए भाई, देख बता देते हैं, उसको बदतमीजी करने की आदत है, ठीक है, तो हम भी भाई आदत से मजबूर हैं, हम भी सब कुछ बता के चलेंगे उसको। देखो ये भी एक अपने आप में भाई वेरिएबल है, वेरिएबल है, इज अ वेरिएबल से कि मैं इसको मैं क्या बोल दूँ, टी बोल दूँ। अब सर वेरिएबल क्यों है, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू, इस एंटायर जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, कैसे, अगर आप x वन रख लो, y भी वन रख लो, z भी वन रख लो, आप मतलब वेरिएबल्स की कुछ भी वैल्यू उठाओ और इसके अंदर पुट अप करो, ये अपने आप में एक नई वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन प्लस वन प्लस वन, इधर भी वन का स्क्वेयर भाई, वन का स्क्वेयर और वन का स्क्वेयर, तो थ्री अपॉन थ्री कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। एक ने कह दिया मैं तो है ना एक्स को जीरो रखूंगा, वाई को भी जीरो रखूंगा, जेड को टू रखूंगा, ठीक है। बट आप एक बात का ध्यान रखना, मतलब कि हम है ना वो वैल्यूज नहीं उठाते जिसके ऊपर ये नोट डिफाइन हो जाए। जैसे इधर x को 0 मान लिया, y को 0 मान लिया, अगर मैं z को भी 0 मान लेता हूँ तो 0 अपॉन 0 हो जाता है, वो नोट डिफाइन, तो इस वजह से मैं तीनों को 0 नहीं ले सकता, ठीक है। और ये चीज़ मतलब आपको पता है जो मैं बता रहा हूँ, मतलब हाँ ये एक वेरिएबल है, ऐसे हम वैल्यू रख सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी वैल्यू उठा सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको एक्चुअल में जब आप कंपटीशन के अंदर बैठोगे, जैसे कि इंस्पेक्टर वगैरह के एग्जाम देने हो या फिर कोई रेलवे एजेंसी वगैरह का एग्जाम देते हो, तो उधर जब अलजेब्रा आता था ऐसा इस तरीके की क्वेश्चन आते, ठीक है, वो कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, चार ऑप्शन दे देता कि मतलब कि अब आपको अगर ये पता कि भाई हाँ ये एक वेरिएबल है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप कॉन्सेप्ट यूज करके उसको वैल्यू बता दोगे, अदरवाइज अगर आपको ये नहीं पता ना तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी आप स्कूल के लेवल के हिसाब से तो इसका कुछ ज़्यादा खास यूज है नहीं, इसका बस इतना ही बेनिफिट है कि आप अगर इसको अच्छे समझ लेते हो तो आपको पॉलीनोमियल समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको आपका चैप्टर नंबर टू आ जाएगा। बट इसका एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अगर आपको कैसे यूज होता है ये सीखना है तो जब मेरा वीडियो आएगा ना सीजीएल के लिए, अलजेब्रा का चैप्टर आता है आपका उधर से, मतलब अलजेब्रा को अलग से ही कराते हैं हम, ठीक है। जब सीजीएल का मैं इधर इस पे एम्स अकेडमी पिक कराऊंगा तो आप उधर से देख लेना, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो इधर देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, जीरो प्लस जीरो प्लस टू, जीरो प्लस जीरो अपॉन टू का स्क्वायर फोर, तो वन बाय टू आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो मतलब वैल्यू चेंज कर दिया, वैल्यू इज चेंजिंग। अब जिसकी वैल्यू चेंज करती है उसको क्या बोलते हैं, सो इट इज ऑल्सो ए वेरिएबल, ठीक है भाई, ये अपने आप में वेरिएबल है। और इसकी बात करूँ ओनली इसकी, ये भी अपने आप में वेरिएबल है, ये भी अपने आप में वेरिएबल है, इसको वेरिएबल वन बोल लो, इसको वेरिएबल टू बोल लो, तो ये एक्चुअल में कौन सा केस है, ये आपका एक्चुअल में वी अपॉन वी का केस था, इसको मैंने क्या बोल दिया, ये भी अपने आप में क्या होता है, वेरिएबल होता है, इसको क्या बोल दिया, टी बोल दिया, ठीक है। तो अगर इसको इतना नोट डाउन कर लिया, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, क्या पूछ ले, कि आपसे ये देखकर वो पूछ ले कि ये अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये आपसे अगर पूछ ले तो आप क्या करोगे, अगर कोई आपसे इस तरीके के सवाल पूछने लगे तो आप क्या करोगे, हंसने लगोगे, अरे क्या पूछ रहे हो बेवकूफ दया सर ने बता रखा है कि ये भाई अपने आप में एक बार हटा ही देते इसको, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
है या नहीं है। तो देखो डिवीजन का वो है, मतलब कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अपने आप में क्या है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मैंने आपसे कल बताया था डिवीजन वाला केस ये होता है कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही देता है। बट वो तीसरी एक्सप्रेशन आएगी कौन सी, जैसे कि ये वन से एक नंबर से एक नंबर डिवाइड होता है अपने आप एक तीसरा नंबर निकल के आता, ठीक है, एज रिजल्ट। तो ऐसे इधर रिजल्टेंट एक्सप्रेशन कौन सी आएगी, तो वो कैसे बताया था मैंने कि आप इनको डिवाइड करके देखोगे, ठीक है। बट डिवाइड तो जब करोगे ना, जब नीचे वाला उसको डिवाइड करता हो, और डिवाइड करने की क्या कंडीशन है कि जो आपका डिवाइजर हो उसकी डिग्री डिवाइडेंड से क्या हो, या तो इक्वल हो या फिर उसके उससे बड़ी वो छोटी हो, ठीक है। मतलब ये जो नीचे वाला है इसकी डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से छोटी या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। बट इधर तो डिग्री बड़ी चली, तो आप इसको इससे डिवाइड कर नहीं सकते अब, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप किस बेस पे वो एक्सप्रेशन थ्री आप लेके नहीं आओगे। देखो डिवाइड होता तभी तो आप लेके आ सकते थे, अब डिवाइड हो नहीं रहा तो एक्सप्रेशन थ्री को हम लेके नहीं आ सकते, तो आप किस बेस पे उसको बताओगे कि भाई हाँ ये अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आई थिंक मैं कुछ ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको, मैं दोबारा करता हूँ एक्सप्लेन। देखो आपको पता है कि मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगी तो एक नई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देगी, ठीक है। अब वो कैसे निकालते, डिवाइड करके निकालते, फिर नई वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी है डिवाइड करके निकालते। बट इधर तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, क्यों, नीचे वाले की डिग्री बड़े उससे ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो ऐसे में आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड नहीं कर सकते तो आप इसको लेके नहीं आ सकते। तो मतलब आप इसको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थ्री है उसको आप बता ही नहीं पा रहे, उसको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो आपका मतलब आंसर आ ही नहीं पा रहा। तो आप इसको कह सकते हो कि मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप सोचोगे फिर कि मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो निकल के आ ही नहीं रहा, तो पता नहीं है भी कि नहीं है। तो इस चीज का आंसर कैसे किया जाता है उसको देखो, ठीक है, कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकल के भी नहीं आ रहा और फिर भी आप आंसर करोगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो तरीका देखो कैसे है। ये जब निकलता जब इसको डिवाइड करता, डिवाइड कर नहीं रहा, ये निकल नहीं पाएगा, तो यार आंसर कैसे दोगे। इधर वैसे लिख लो, इधर ऐसे क्रॉस लगा के कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन थ्री। तो अब कैसे बताएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। देखो तरीका क्या है, अब देखो आप इसको इस एक्स इसको पूरे सिस्टम को ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपको पता है वेरिएबल का कॉम्बिनेशन एड या सब्ट्रैक्शन अपने आप में एक वेरिएबल होता है, तो इसको बोल दोगे आप कॉन्स्टेंट, ये अपने आप में क्या एक वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार वेरी करी, आप एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू रखो इसकी अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, अब जिसकी वैल्यू वेरी करती है वो अपने आप में वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे ये भी अपने आप में क्या है एक वेरिएबल, इसको वेरिएबल वन मान लो, इसको वेरिएबल टू मान लो, ठीक है, इसकी पावर माइनस वन होगी, मतलब एक्चुअल में एक किस फॉर्म में हो गया सी वी आर एन और वी टू आर एन, क्योंकि आपका वन क्या है आर एन है, माइनस वन वो भी आर एन, ठीक है। तो जो बंदा सी वी आर एन मल्टीप्लाई सी वी आर एन, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, देखो वेरिएबल का प्रोडक्ट भी क्या होता है, वेरिएबल ही होता है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा ना। तो ये एक्चुअल में किस फॉर्म में आ गया सी, इसको नया वेरिएबल में क्या कह दूँ, थ्री तीसरा कह दूँ, ठीक है, सी वी आर एन। अब जो चीज सी वी आर एन की फॉर्म में होती है वो अपने आप में क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये अपने आप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पता चल गया मतलब कि वेरिएबल का कॉम्बिनेशन वेरिएबल किस तरीके से मतलब कि वो बेनिफिशियल है, इस तरीके से बेनिफिशियल। अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता होता ना, तो आप इसको कभी ये नहीं बता सकते कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ठीक है, क्यों, आपके पास वी थ्री तो वो ई थ्री तो निकल के आता नहीं। अब जिस चीज़ का आपको आंसर पता ही नहीं, तो आप उसके बारे में बता क्या सकते हो भाई, किसी का आपको पता ही नहीं। जैसे कोई इंसान है, आप इंसान के बारे में जानते नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो इंसान बुरा है या अच्छा है, ठीक है। ऐसे इस एक्सप्रेशन के बारे में आप जानते नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो उसका ये तरीका बताने का,
इसको CVRM की फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको छापो एक बार, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मतलब कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मतलब बेसिकली मैं बता देता हूँ, मतलब उसमें क्या करेंगे हम टर्म को करेंगे डिफाइन, मतलब टर्म क्या होती है, ठीक है, कोफिशियंट क्या होता है आपका और फैक्टर क्या होता है। अब ये मैं सोच रहा ना कि हाँ ये तो इजी चीज़ है, हम कर लेंगे, धुआं उठेगी इधर, ठीक है। काफ़ी उसके अंदर काफ़ी डेप्थ होती है जो आपकी मतलब NCERT वगैरह नहीं बताती है, तो आप उसको हड़के मत लेना, अच्छी क्लास है वो भी। तो अभी आज इसी पढ़िए आप, आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराता हूँ उसको अच्छे से, ठीक है।